एक्सरसाइज 7.5 हम लोग करेंगे जो आंशिक भिन्नों में बदल के जो इंटीग्रल किया जाएगा। तो इसमें अगर पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी इस टाइप का लिखेंगे, यानी जो दोनों फैक्टर हैं एक हमारा इधर आ जाएगा और एक फैक्टर इधर, और फिर इसको ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो एक फैक्टर में x माइनस ए रहेगा ये अपान x माइनस ए, और अगले फैक्टर में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर ऊपर आपका क्वाड्रेटिक भी है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो एक में x माइनस ए फैक्टर, एक में x माइनस बी, एक x माइनस सी। अगर एक फैक्टर आपका होल स्क्वायर है तो वो पहले एक बार पावर वन में रहता, फिर पावर टू में, फिर अगला फैक्टर। अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है कि इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो आपको ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का मानना पड़ेगा। अगर ये आपका जरूरी नहीं कि ऊपर एक्स ही हो, अगर वन अपान या कोई कांस्टेंट अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो इसको भी हम ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी मान लेंगे। अगर आपका पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है तो एक में एक्स माइनस ए और एक में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अगले में एक्स माइनस बी। तो यही हम लोग करके अब देखिए हम लोग अगला एक्सरसाइज करते हैं, शायद 7.5 है। पर्सनावली 7.5 हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। जो पूरा प्रश्नावली आपका आंशिक भिन्नों में बदल के जो है इंटीग्रल करना है। 7.5 का पहला क्वेश्चन हमारा है x अपान x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रल हमको करना है x अपान x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो सिंपल सी बात हमको पता है कि इस टाइप का फलन जब आता है हम लोगों का तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, चलिए लिख देते हैं कि अगर हमारा कहीं पर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आता है, दिस इक्वल टू हम लोग मानते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और फिर यहाँ से ए और बी की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक्स अपान एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू हम लोग माने कि ये ए अपान एक्स प्लस वन प्लस बी अपान एक्स प्लस टू के बराबर है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये हमारा तो यही रहेगा एक्स अपान एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और दिस इक्वल टू इसमें x प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें प्लस b इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो ये हमारा ख़त्म हो गया दोनों तरफ से, x इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, तो x इक्वल टू x वाले टर्म इकट्ठा करें तो x कॉमन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी। अब हम लोग दोनों पक्षों के x के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर, क्योंकि ये और ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पे जो x का गुणांक है यहाँ होना चाहिए और यहाँ जो अचर पद है उसकी वैल्यू यहाँ के बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे। दोनों पक्षों में एक्स के गुणांकों और अचर पद की तुलना करने पर एक्स का गुणांक हमारा इस साइड क्या है वन है, तो वन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि इधर एक्स का गुणांक ए प्लस बी है, तो ये हमारा समीकरण नंबर एक आ गया। और इधर अचर पद हमारा क्या है टू ए प्लस बी, और इधर अचर पद हमारा कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो। तो इन दोनों समीकरण से हम लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो इधर से हम लोग अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए इक्वल टू वन माइनस बी,
इसको हम लोग समीकरण दो में रख देंगे। ए की वैल्यू ए इक्वल टू वन माइनस बी समीकरण दो में रखने पर तो ए की वैल्यू वन माइनस बी टू इंटू वन माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से हो गया टू माइनस टू बी प्लस बी इक्वल टू जीरो यानी माइनस बी प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से पता चल गया बी इक्वल टू टू, बी हमारा टू आ गया तो ए इक्वल टू क्या है वन माइनस बी, तो ए इक्वल टू हमारा हो गया वन माइनस टू, यहाँ से पता चला कि ए की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो यहाँ हमारा ए की वैल्यू पता चल गई माइनस वन और बी की वैल्यू पता चल गई टू। तो जो रिप्लेसमेंट हमारा होगा इंटीग्रल के लिए एक्स अपान एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल टू ए अपान यानी ए माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस बी यानी टू अपान एक्स प्लस टू और डी एक्स और पूरे का इंटीग्रल यानी दिस इक्वल टू, दो इंटीग्रल में ब्रेक हो गया, एक तो हो गया हमारा माइनस वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस टू, अगले वाले से बाहर आ जाएगा टू वन अपान एक्स प्लस टू डी एक्स। अब वन अपान एक्स का इंटीग्रल हमको पता है वन अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग मॉड एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन को अगर हम लोग टी माने तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो ये इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स की जगह डी टी और एक्स प्लस वन की जगह पे टी प्लस टू टाइम्स, यहाँ पे एक्स प्लस टू को हम लोग मान लेंगे वाई, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई, तो ऊपर डी एक्स की जगह पे डी वाई और एक्स प्लस टू की जगह पे वाई, तो माइनस इसका इंटीग्रल हो गया लॉग वन अपान टी का मॉड टी प्लस टू टाइम्स इसका इंटीग्रल हो गया लॉग मॉड वाई प्लस सी, और इसमें हम लोग वैल्यू अपना पुट कर देंगे, टी हमने किसको माना था एक्स प्लस वन की जगह पे और प्लस टू टाइम्स लॉग एक्स प्लस टू, वाई हमारा क्या एक्स प्लस टू प्लस सी। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का इंटीग्रल करना है, वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपान एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स इसको यही फार्मूला हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को थ्री का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक ब्रेकेट में अगले ब्रेकेट में एक्स माइनस थ्री। अब वन अपान एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हम लोग मानेंगे ए अपान एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपान एक्स माइनस थ्री यानी दिस वन अपान एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, अब ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो वन इक्वल टू हमारा हो गया ए एक्स माइनस थ्री ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी, तो वन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स से हम लोग एक्स कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी। अब हम लोग फिर वही लिखेंगे कि अचर पदों और एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो अचर पद हमारा क्या है माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी और इधर वन है, तो माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल टू वन समीकरण नंबर एक आ गया, और एक्स का गुणांक जीरो है तो ए प्लस बी बराबर जीरो समीकरण नंबर दो, यहाँ समीकरण नंबर दो से ए बराबर माइनस बी आ गया और ए बराबर माइनस बी इसमें हम लोग रख दें तो ए की जगह पे माइनस बी,
तो प्लस थ्री बी इक्वल टू वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिक्स बी इक्वल टू वन, यहाँ से b हमारा आ गया 1/6, और a हमारा माइनस बी के बराबर है, तो a हो गया हमारा माइनस ऑफ 1/6, तो a बराबर हो गया माइनस 1/6 और b बराबर 1/6, तो a की वैल्यू हमारी माइनस 1/6 और b की वैल्यू प्लस 1/6, तो दिस इंटीग्रल जो हमारा है 1/(x²−9)dx इक्वल टू माइनस 1/6 एक्स प्लस थ्री प्लस बी की वैल्यू 1/6 एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो माइनस 1/6 पहले इंटीग्रल से बाहर आ गया, तो 1/(x+3)dx, और अगले से 1/6 बाहर आ गया, तो 1/(x-3)dx, तो माइनस 1/6। अगर हमारा कहीं पे x के साथ कुछ जोड़ या घटाना में आता है और x का गुणांक 1 है, तो इस पूरे को हम लोग x की तरह कंसीडर करके फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है और इसमें जोड़ घटाने में कुछ आ रहा है, तो 1/(x) का इंटीग्रल हमको पता है log mod x, तो यहाँ पे 1/log, वो x प्लस थ्री है, तो यहाँ पे log mod x प्लस थ्री प्लस 1/6 log mod x माइनस थ्री प्लस सी। ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, 3x-1/(x-1)(x-2)(x-3)। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3x-1/(x-1)(x-2)(x-3) को हम लोग करेंगे a/(x-1)(b/(x-2)(c/(x-3)। अब ये हमारा हो गया 3x-1/(x-1)(x-2)(x-3) इक्वल टू, अब a के साथ हर बराबर करना है, तो x-1 तो यहाँ पे गुणा में है, तो x-2 × x-3 से ऊपर नीचे गुणा करने पड़ेगा, तो x-2 × x-3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा x-1 x-2 x-3। अब यहाँ पे x-2 है, तो x-1 × x-3 से करना पड़ेगा, तो b × x-1 × x-3 / x-1 x-2 x-3 प्लस, अब c वाले में हमको x-3 है, तो c × x-1 × x-2 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा x-1 x-2 x-3। अब ये हमारा हो गया 3x-1/(x-1)(x-2)(x-3). अब हर बराबर हो गया, तो इधर जुड़ जाएगा a × x-2 x-3 + b × x-1 x-3 + c × x-1 x-2 / x-1 x-2 x-3। अब ये हमारा ख़त्म हो गया, तो 3x-1 = अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं x-2 × x-3, तो ये x²-3x-2x + 6 हो गया, प्लस b इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से करेंगे x²-3x-x + 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x²-2x-x + 2, तो 3x-1 = ax² और -3x-2x 5x हो गया, तो 5x × a + 6a + bx² और -4x हो गया, तो -4bx + 3b + cx² - 3cx + 2c। इसमें हम लोग x² और x और अचर पदों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो x² ax² bx² और cx², तो x² अगर हम लोग कॉमन करेंगे यहाँ, तो होगा a + b + c
प्लस, अब एक्स वाले टर्म देखते हैं, हमारा फाइव ए एक्स है, चलिए ऊपर टिक कर, फाइव ए एक्स, फोर वी एक्स, थ्री सी एक्स, तो एक्स कामन करेंगे तो ये हमारा एक्स कामन करेंगे तो माइनस फाइव ए यहाँ मिलेगा, माइनस फाइव ए, और यहाँ पे माइनस फोर बी, और यहाँ पे माइनस थ्री सी, प्लस अचर पद हमारे के यहाँ सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी। अब अचर पदों और एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे हमारा, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे जीरो है, तो एक ये आ गया इक्वेशन नंबर वन, और माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू एक्स का गुणांक इधर थ्री है, तो आ गया थ्री समीकरण नंबर दो, और अचर पद सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू अचर पद इधर माइनस वन है, तो इक्वेशन नंबर थ्री। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से समीकरण हम लोग लिख लेते हैं, हमारा क्या है मिला है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू थ्री, इक्वेशन नंबर टू, और तीसरा है सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू माइनस वन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमको ए बी और सी के लिए। तो हमको पता है कि अगर हमारा कोई दो इक्वेशन एक्स और वाई में हो या दो वेरिएबल में, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ए की वैल्यू जो है बी और सी के पदों में निकाल के यहाँ भी रख देते हैं और यहाँ भी, तो यहाँ दोनों से ए गायब हो जाएगा, तो ये दोनों समीकरण बी और सी में बन जाएगा। तो ये समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन, तो हम लोग कहेंगे समीकरण एक, यानी जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो से ए अगर हम लोग निकालें तो ये होगा माइनस बी माइनस सी, समीकरण दो और तीन में रखने पर, समीकरण दो और तीन में रखने पर, यानी समीकरण दो और तीन में हम ए बराबर माइनस बी माइनस सी रखेंगे, तो हमारा समीकरण दो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस फाइव ए है, इसकी जगह पे माइनस बी माइनस सी, माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू थ्री, तो ये फाइव बी प्लस फाइव सी माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू थ्री, फाइव बी से फोर बी गया बी और फाइव सी से टू सी गया टू सी इक्वल टू थ्री, तो ये समीकरण नंबर हमारा आ गया चार। अब ए बराबर माइनस बी माइनस सी समीकरण तीन में रखेंगे तो सिक्स इंटू माइनस बी माइनस सी प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स सी प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस थ्री बी हो गया और माइनस फोर सी, क्योंकि माइनस सिक्स प्लस टू है तो माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू वन, ये समीकरण नंबर पाँच। अब समीकरण नंबर चार और पाँच को हम लोग सॉल्व कर लें, तो चार ये है और पाँच हमारा क्या है थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू वाले पाँच। अब समीकरण चार में अगर हम लोग दो से मल्टीप्लाई करके और समीकरण पाँच से घटा दें तो देखिए क्या होगा, समीकरण चार में दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बी प्लस फोर सी इक्वल टू सिक्स, और ये हमारा थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू वन है। अब इसको जब घटाएंगे तो फोर सी ख़त्म, टू बी से थ्री जी जाएगा तो माइनस बी, और ये सिक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस फाइव। अब एक वैल्यू हमको पता चल गया, वी की वैल्यू माइनस फाइव हम लोग किसी में भी रख दें, वी की वैल्यू माइनस फाइव चलिए इसी में रख देते हैं, तो हमारा थ्री इंटू माइनस फाइव प्लस फोर सी इक्वल टू वन, माइनस फिफ्टीन
प्लस फोर सी इक्वल टू वन, फोर सी इक्वल टू 16 हो गया तो सी बराबर चार, तो सी बराबर चार हो गया, बी बराबर माइनस फाइव, तो बी और सी पता है तो ए हमारा क्या है, ए बराबर माइनस बी माइनस सी, तो ए बराबर हो गया माइनस बी, बी कितना है माइनस फाइव और सी कितना है फोर, तो ए बराबर ये पाँच प्लस हो गया, पाँच में से चार गए एक, तो ए बराबर वन, यानी हम लोगों का जो फाइनली आ गया ए बराबर वन, बी बराबर माइनस फाइव, सी बराबर फोर। अब इंटीग्रल हमारा हो गया कन्वर्ट हो गया, जो हम लोगों ने माना था, ये जो हमारा थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इसकी जगह पे हमारा क्या था, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो ए की वैल्यू हमारी है वन, ए की वैल्यू वन, तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया वन अपॉन एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू, सी की वैल्यू फोर। यानी इसका इंटीग्रल करने का मतलब हमारा क्या है कि आप इसका इंटीग्रल करिए, तो दिस इक्वल टू अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस फाइव हमारा बाहर आ गया, वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस फोर बाहर आ गया, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो अगर आपका एक्स का गुणांक वन हो और एक्स के साथ अगर कुछ जोड़ घटाना में हो तो इसको पूरा एक्स कंसीडर कर सकते हैं, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल वन अपॉन एक्स डी एक्स अगर कहीं पे है तो इसका इंटीग्रल होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का हो गया लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस फोर टाइम्स लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी।